बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख स्टूडियो के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार नए हैरान कुन वाकयात से भरी हुई कुर्रत उस्मान की धमाकेदार किस्त जारी की गई। हालिया किस्त बहुत ही मुनफरिद साबित हुई है क्योंकि नई किस्त का आगाज ही सनसनीखेज अंदाज में होता है, जहां पर कुर्रत उस्मान की वो कहानी जिसे खत्म किया जा रहा था एक बार फिर से जिंदा हो गई। वो ऐसे के उस्मान बे जिस तरह वजीर आलम शाह पर हमला करते हैं और जैसे ही उसे खत्म करने की तरफ जाते हैं, इसी दौरान बड़ी तादाद में सल्जूकी सिपाही आ जाते हैं जो उस्मान बे को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ वजीर को थोड़ा वक्त मिलने की वजह से खुद को एक महफूज जगह पर छुपा लेता है। उस्मान बे और उनके साथियों को गुमराह करने के लिए निशानात छोड़ देता है। नाज़रीन गिरामी, वजीर आलम शाह अभी उस्मान बे के खिलाफ बहुत सी साजिशों का हिस्सा बनेगा, इसलिए वजीर का किरदार खत्म नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, आज हम अपनी इस वीडियो में कुर्रत उस्मान की नई आने वाली किस्त के बारे में मालूमात देंगे, बल्कि तारीख के मुतालिक भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमारे आज के मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। आर्गोन खान की तरफ से गहातू को 20,000 मंगोलों की फौज मिलने के बाद क्या गहातू उस्मान बे के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान करेगा? क्या आर्गोन खान को भी कुर्रत सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं? दूसरी जानिब बात करें, क्या उस्मान बे और गुंदूज बे के दरमियान पहले जैसे हालात हो पाएंगे या गुंदूज बे अभी वजीर आलम शाह और गहातू की मर्जी के मुताबिक काम करेगा? नाज़रीन गिरामी, नए ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे निकोला से मुआहिदा करते हैं और साथ ही निकिया के सफर पर रवाना होते हैं। क्या यहाँ निकोला उस्मान बे को किसी मुसीबत में फंसाएगा? सबसे पहले बात करते हैं गहातू को मिलने वाली फौजी मदद, जो कि मंगोलों के सरबराह आर्गोन खान की तरफ से गहातू के लिए भेजी जाएगी। यकीनन 20,000 फौजी गहातू की ताकत में इजाफा करेंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि आर्गोन खान को भी कुर्रत सीरीज का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि गहातू साजिश करके आर्गोन खान से अहल खानी तक हासिल करता है। बात करें उस्मान बे की, तो ये वाजे है कि इतनी बड़ी मंगोलों की फौज का मुकाबला उस्मान बे के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। काफी इम्कान मौजूद है उस्मान बे अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए गहातू से कोई मुआहिदा कर पाएंगे। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं उस्मान बे और गुंदूज बे के दरमियान मौजूदा हालात पर। तो यहाँ आपको ये बता दें कि उस्मान बे अब समझ चुके हैं कि गुंदूज बे गद्दार नहीं। ये आप आने वाली किस्त में देख सकेंगे। जो खवातीन कबीला बदर की गई थी, अब दोबारा कबीले वापस आ चुकी है। इससे ये साबित होता है कि उस्मान बे को अब गुंदूज बे पर कुछ एतमाद हुआ है, लेकिन अब जो गुंदूज बे करेंगे वो बहुत कुछ उस्मान बे के लिए मददगार साबित होगा। बात की जाए उस्मान बे और निकोला की, तो नाज़रीन यहाँ कोई भी इम्कान नहीं कि निकोला उस्मान बे को किसी जाल में फंसा दे, बल्कि जिससे निकोला को खतरात हैं इसी से ही उस्मान बे को भी खतरात लाहक है, क्योंकि जितनी बड़ी फौज मंगोलों के पास है इससे मुकाबला बाज़ंतीनियों का भी मुश्किल होगा और उस्मान बे का भी। तो इसी वजह से निकोला उस्मान बे का साथ देगा, लेकिन एक मखसूस वक्त के लिए, ताकि उस्मान बे निकिया में अपने मंसूबे को सरंजाम दे सके। नाज़रीन गिरामी, कुर्रत सीरीज में जो हालात दिखाए जा रहे हैं, मजीद आने वाली साथ में बहुत से तारीखी किरदार मंजरे आम पर आएंगे, जिस वजह से अब बहुत से जंगी और सियासी मनाजिर देखने को मिलेंगे। कुर्रत सीरीज में जंगी हालात को मद्दाहों की तरफ से बहुत पसंद किया जाता है, तो नाज़रीन अब आपको हर नई आने वाली किस्म में ऐसे बहुत से सनसनीखेज मनाजिर देखने को मिलेंगे।